भाई राम राम, जय श्री राम। आज एक आपको बताइए मुद्दा कौन सा है। अभी ये जो जाट महाकुंभ वाला मुद्दा चल रहा है, तो इसको लेकर एक विशेष लाइव आया हूँ। और लाइव में ऐसी दो चार चीजें हैं जो मैं आपको पहले मोटा मोटी बता देता हूँ कि जो जाट महाकुंभ का संरक्षक है, जो स्वयं घोषित अपने आप को कह रहा है कि मैं जाट महासभा का अध्यक्ष हूँ, तो उस आदमी के बारे में बताऊंगा जो दिन में तो जाट महाकुंभ करेगा और रात को अपनी पोते की शादी किसी दूसरे के साथ करेगा, और उसके ऊपर दुष्कर्म के मुकदमे हैं। और इसके अलावा निमंत्रण देने के लिए राजा राम मेल स्वयं वैलेंटाइन डे के दिन वसुंधरा राजे के यहाँ गया था। भाई ऐसा दिन चुनने की कहाँ जरूरत थी। वैलेंटाइन डे के दिन वसुंधरा को जाकर निमंत्रण दिया था 14 फरवरी को। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप इनकी आईडी देख लेना। और उसके अलावा हनुमान जी बेनीवाल के कमजोर करने के लिए इन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा, उसके बारे में मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगा कि भाई जो 5 मार्च को जो ये महाकुंभ हो रहा है, ये महाकुंभ नहीं बल्कि एक कुक्रम हो रहा है। एक ऐसा षड्यंत्र है जिसमें कुछ नेताओं ने बैठकर एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी थी, उस स्क्रिप्ट को लेकर भाई कैसे हनुमान बेनीवाल नाम की आंधी जो 2023 में आने वाली है वो इन्होंने भांप लिया। तो अब हम लोग इस आंधी को कैसे रोकें? उनको रोकने के लिए इन लोगों ने जो षड्यंत्र रचा था कि भाई हम जाट महाकुंभ करते हैं। अब महाकुंभ किसको कहते हैं? सबसे पहले तो इन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज होने चाहिए। जो आयोजन करता है राजा राम मेल, भाई महाकुंभ जो हरिद्वार में होता है, जो काशी में होता है, विश्वनाथ वहां पे होता है, महाकुंभ के मंच पर शंकराचार्य होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं, बड़े बड़े जो संत है, पीठाधीश है, वो होते हैं। जब ये दुष्कर्म के आरोपी, जब शराब माफिया, ऐसे लोग इसका आयोजन कर रहे मंच पे बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी जो धार्मिक भावना है वो आहत होगी। पहले तो एक हरियाणा वाला वो आया था घोटाला, जिसको चौटाला तो हम कह ही नहीं सकते हैं, उस घोटाले ने एक ईंट लेके आया था 17 किलो चांदी की, और तेजाजी महाराज को, मतलब जो साक्षात पर्चा है, तेजाजी महाराज ने उसका हाथोंहाथ भंडाफोड़ कर दिया और ईंट देखो दबी हुई ईंट वापस निकल गई। वो एक चमत्कारी कह सकते हैं। वैसे के वैसे ये दुष्कर्म के आरोपी हैं जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा बकायदा 18 सितंबर 2082 को अखबार के अंदर खबर छपी थी कि राजाराम मिल ने एक विदेशी महिला, ऑस्ट्रेलियन महिला थी विलियम जिसका नाम था, उसने राजाराम मिल और अन्य 3 के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करवाया था थाने के अंदर। राजाराम उसके अंदर फरार हुआ था। 3 लोगों, एक को तो रात को हाथोंहाथ गिरफ्तार कर लिया था। हुआ यूं था, उस महिला को लेकर ये कोई होटल में थी, तो वहां पे ये शराब के नशे में थे, उन्होंने बदतमीजी की। ये मैं संपत पुनिया नहीं कह रहा है, ये जो अखबार की कटिंग है वो बता रही है, वो आपको पढ़ा दूंगा। आप ये लोग गए थे, आपको जो अखबार की कटिंग है वो मैं दिखाता हूं, आप खुद मानेंगे कि भाई राजस्थान पत्रिका के अंदर ये खबर छपी है, आप स्वयं पढ़िए कि उस महिला ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। ये रही राजस्थान पत्रिका की खबर है जिसके अंदर आप तारीख देख सकते हो, रविवार 18 सितंबर 2019, और ये रही विदेशी युवती को उड़ाया, 3 गिरफ्तार। अब आप इसको खबर को आराम से पढ़िए। पुलिस ने मिर्जापुर इस्माइल रोड स्थित एयर ग्रीन गेस्ट हाउस में कल एक विदेशी युवती लुवुड और एक 60 वर्षीय, मतलब औरत भी कितनी बुजुर्ग थी, 60 वर्षीय है, अंग्रेज विलियम का अपहरण करने के सिलसिले में अब तक 3 जनों को गिरफ्तार कर लिया है। एक जना अभी फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार सिडनी निवासी ऑस्ट्रेलियन युवती मोड कल ही जयपुर आई थी और एयर ग्रीन गेस्ट हाउस में ठहरी हुई थी। जब यह युवती गेस्ट हाउस के नीचे एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी, उस समय 4 युवक टेक सिंह, राजाराम, नैनूराम और कैलाश कार नंबर RJNB 121 में आए थे। ये चारों शराब पिए हुए थे।
सूत्रों ने बताया कि टेक सिंह और राजा राम शराब के ठेकेदार हैं। अब दुनिया को पता है कि राजा राम मिल ने पूरे राजस्थान के शराब के ठेके ले रखे थे, तो अखबार में भी वही छपा है। जबकि नैनूराम एक्साइज इंस्पेक्टर है और कैलाश ड्राइवर है, इन चारों ने इस विदेशी युवती के साथ जोर जबरदस्ती की दोस्ती की, तो रेस्टोरेंट से उनकी झड़प हो गई। इन लोगों ने अंग्रेज विलियम और एक अन्य विदेशी की भी पिटाई की। बाद में ये लोग, पता नहीं ये अखबार पुराना है, और इनके कार में डालकर झालावाड़ रोड स्थित सुरजीत सिंह के फार्म पर ले गए, एक कमरे में बंद कर दिया। और ये रहा है, ये मेन पेज की खबर थी, पृष्ठ एक का शेष पांच पर, और ये रहा पांच का। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस विदेशी युवती की सील भंग करने के इरादे से अपहरण कर ले गए थे। मतलब पुलिस ये बता रही है कि ये बलात्कार और दुष्कर्म करने के इरादे से लेकर गए थे। जब इस युवती ने इन युवकों ने युवती को कमरे से बाहर निकाला, उस समय वे नशे में थे। युवती इन लोगों को किसी प्रकार धक्का देकर भाग निकली और मुंसिफ मजिस्ट्रेट सोनी के मकान में घुस गई। मतलब विदेशी महिला थी, तो वो किसी बोर्ड लगा हुआ था मजिस्ट्रेट का बाहर, तो जो मजिस्ट्रेट हैं सोनी जी, उनके घर में घुस गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बाद में सोनी ने इस युवती को झोंटवाड़ा थाने में पहुंचाया। इधर जयपुर में पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही चारों ओर नाकाबंदी कर दी। रात को जब पुलिस झोंटवाड़ा रोड पर गश्त कर रही थी तब टेक सिंह उक्त विदेशी युवती के पीछे भागता हुआ आया। पुलिस ने उसे रोका और थाने ले आई। वहां विदेशी युवती ने उसे पहचान लिया और बताया कि यही युवक है जिसने उसका अपहरण किया है। बाद में पुलिस ने नैनूराम को गिरफ्तार किया और आज सुबह, मतलब दूसरे दिन, नैनूराम को उसी रात को गिरफ्तार कर लिया और उसका जो ड्राइवर था कैलाश, उसको भी पकड़ लिया। राजा राम अभी फरार हैं, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि युवती के फार्म के कमरे से भागने पर विलियम भी निकल गई और आज प्रातः कनकपुरा पहुंची। पुलिस ने गिरफ्तार तीनों युवकों को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। ये खबर है राजस्थान पत्रिका की, जिसको आप आराम से पढ़ सकते हो। ये 18 सितंबर की प्रसारित है और ये अखबार की खबर है। अगर ये खबर झूठी है तो जो ये स्वयंभू अध्यक्ष है राजाराम मेल, उसके खिलाफ अखबार में खबर छपी है कि एक बलात्कारी आदमी है और वो पता नहीं कैसे महाकुंभ कर रहा है। समाज का महाकुंभ करने वाला बंदा बलात्कारी, जो अखबार में खबर छपी है, और उस आदमी को हम लोग लेकर कहते हैं कि ये हमारा मसीहा है, महाकुंभ कर रहा है। कौन सा महाकुंभ है? और दूसरी तरफ 5 मार्च को महाकुंभ है दिन में, और रात के समय में राजाराम मिल का भाई है पूर्व विधायक गंगाचल मिल, और गंगाचल मिल है उसकी बेटी की शादी शाम को हो रही है, जिसका खड़े है वो मैं आपको दिखा। इन्होंने अपने जो पोती की शादी कर रहे हैं उसमें राजाराम मिल का भी नाम है, और ये कार्ड आप देख लीजिए, आप स्वयं विश्वास, मैं बाद में बताऊंगा कि कार्ड का मकसद क्या है। जो कार्ड ये अभी इनके जो रिश्तेदारों में बंट रहे हैं, आप लोग ये कार्ड देखिए, ये कार्ड रहा श्रीमती पवनी देवी मिल फैमिली इनवाइट योर राजाराम के गंगा जो उसी पोती है। और ये जो शादी हुई उसका नाम डॉक्टर मिसेज प्रियंका वाइफ ऑफ रूप सिंह। अब चल के आगे मिलवाए
आप देख लीजिए। और जो ये दूसरा है रूप सिंह, रूप सिंह के आगे जाति क्यों छुपाई भाई? ये 5 मार्च को 23 को शादी हो रही है और ये बकायदा पूरा एड्रेस है। और इस कार्ड के जो दूसरा पृष्ठ है उसमें जल्लाराम और राजाराम इनका भी नाम लिखा हुआ है। ये फैमिली मेंबर है और ये इनका कार्ड है। अब कार्ड के अंदर रूप सिंह की जाति छुपाई गई है। जो दिन में तो बंदा पंचायती करेगा जाट समाज की कि भाई जाट कुंभ कर रहे हैं, जाटों को जगाना है, और शाम को अपनी पोती को ब्याह के किसी गुज्जर के साथ भेज रहा है। शाम दिन को जाटों को बुला रहा है कि जाटों का मान सम्मान बटाना है, और रात को बारात किनके यहां से आएगी? गुज्जर परिवार के यहां से। हम ये नहीं कहते हैं कि भाई गुज्जरों का विरोध करते हैं, लेकिन तुम समाज के मुखिया बनके समाज को क्या रास्ता दिखाना चाहते हो कि सब हम अंतर जातीय विवाह कर लें, अपनी बेटियों को कहीं पे भेज दें जो दूसरी जातियों में है? भाई जो परंपरा बनी है, तुम जाट समाज का मुखिया है तो कम से कम जाटों को तो सुधार, ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार करो। अभी थोड़ी दूर पहले मैंने एक खबर अपलोड की थी, पूर्व विधायक अमराराम के ऊपर भी राजाराम मिल ने हमला करने का जो प्रयास किया था, अपनी गैंग भेजी थी, गुर्गे भेजे थे। अब ऐसे बंदे को हम लोग फॉलो करेंगे और महाकुंभ होगा। अब इस महाकुंभ का मकसद क्या है? राजाराम बिल का आपने इंटरव्यू देखा होगा बोल हिंदुस्तान पे, उसमें बंदा खुला कह रहा है कि भाई हमने अपनी पार्टी बनाई थी, अपनी पार्टी चली नहीं, खुद की पार्टी चली नहीं क्योंकि शराबियों का झुंड था तुम्हारे पास में। और कह रहा है कि आज मेरी 78 उम्र हो गई और 25 साल से मैंने दारू का धंधा छोड़ दिया, मतलब 52 साल की उम्र तक। और सॉरी दोस्तों, इस चीज पे भी गौर करना कि राजाराम के ऊपर बलात्कार का मामला कब लगा था? 82 से लेकर आज 22 चल रहा है, तो 40 साल पहले की घटना है। आज अगर राजाराम मिल 78 का है तो 40 कर दो 37 का। उस समय भरपूर जवान था, उस समय महिलाओं को उठा उठा के दारू के नशे में ले जाकर बलात्कार का प्रयास किया, हो सकता है क्या होगा वो तो पुलिस जाने, उसके एविडेंस में किया था। और इसको जमानत कैसे मिली? आपको बकायदा मैंने पोस्ट शेयर की है, इन्होंने पागल का आप लोगों को यह सोचना होगा कि जो राजाराम मिल जयपुर के अंदर हवेली थी, राजस्थान के तमाम आधे से ज्यादा दारू के ठेके इसके हुआ करते थे, और इसकी जयपुर के अंदर उन शराब के पैसों से कमा के जो होटल बनाई थी हवेली होटल, और आरक्षण के टाइम में ये दारू के पैसे कमाए हुए हैं, और उन दारू के पैसों से ये मैनेज करेगा, आरक्षण में जो समाज के लोग हैं उनका सपोर्ट करेगा, तो इसको पैसों के हिसाब से लिया था। और ये चौधरी बन गया कि मैंने वो रैली करवाई थी। भाई तन्ने रैली कराई थी 23 मार्च 2021 को राकेश टिकैत की संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले एक किसान महापंचायत जयपुर में करवाई थी। उसकी बकायदा खबर चली थी अखबार न्यूजों के अंदर कि 1,00,000 लोग इकट्ठे होंगे, तंबू लगाए थे और वहां पे 4,000-5,000 लोग आए थे। वो महापंचायत राजाराम ने करवाई थी और वहां पे बार बालाओं को बुलाया था, डांसरों को नचवाया था भीड़ इकट्ठा करने के लिए। और मैं तो राजाराम से फिर कहना चाहता हूं कि भाई 5 मार्च को भी डांसर इकट्ठे कर लेना, जो गिनती के लोग आएंगे वो कम से कम वहां पे थोड़ा मनोरंजन तो करेंगे, बाकी कोई आने वाला नहीं है। तुम लोगों ने जो षड्यंत्र रचा उसके बाद में तुम आरक्षण का जो श्रेय लेके वसुंधरा के साथ में घूमे, वसुंधरा को तुम्हारी नियत का पत्ता पड़ गया तो तुम्हारी हवेली होटल तुड़वा दी। उस समय ऐसे ही रोया था समाज के सामने कि वसुंधरा जाट विरोधी है, वसुंधरा ने जाटों की किसान के बेटे की होटल तोड़ दी और वहां पे एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। उसके बाद वसुंधरा से नाता तोड़ दिया। 2008 में इसने राजाराम ने पार्टी बनाई थी, पार्टी चली नहीं क्योंकि शराबियों का इनका गिरोह था, तो वो लोग वोट कैसे दिलवाएंगे? आपको पता ही होगा कि जैसे हनुमान जी ने पार्टी बनाई तो बंदा कह रहा है कि थर्ड फ्रंट को मैं मानता नहीं हूं। हनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्री के बारे में कोई एक चैनल वाले ने पूछा था, यूट्यूब वाले ने, तो ये कह रहा है कि उसका तो नाम ही काट दो, वो हारेगा, तू जीत गया क्या? पार्टी बनाई थी, पार्टी चली नहीं, बस्ते में समेट के रख दी, ये खुद कह रहा है। और उसके बाद में गहलोत के हाथ पैर जोड़ के अपने भाई का टिकट दिलवा दिया इसी गंगाजल मिल का, जो गुजरों का समधी बनने वाला है। और वसुंधरा की
बहू है तो वो भी सेम, मतलब ये जो इनविटेशन देखा है ना, इनके लक्षण मिल गए आपस में कि भाई वसुंधरा की बहू भी गुजरों की वो भी समधन है और मैं भी गुजरों का समधी बन जाऊं, ये सब एक ही थाली के चट्टे बटे हो गए भाई। तो पार्टी बना के गंगाजल मेल को टिकट दिलवाया 2008 में, वो चुनाव तो लोगों की संपत्ति थी तो उसे जीत गया। उसके बाद में अगला चुनाव हुआ था 2013 वाला, तो उसके अंदर सामने भाजपा प्रत्याशी था राजेंद्र सिंह भादू, उसके 70,000 वोट आए और गंगाजल मिल के वोट आए थे 34,000 कुछ समथिंग, आधे वोट भी नहीं आए। और उसके अलावा 18 में फिर टिकट लिया, उसमें भी वही हाल हुआ, गंगाजल मिल बुरी तरह से हारिया है। अरे भाई तुम लोग जो थर्ड फ्रंट की कल्पना, हनुमान जी ने कल्पना नहीं की है बल्कि धरातल पे काम करके दिखाया है, और एक हनुमान के रूप की जो राजस्थान में आंधी लोगों के दिलों में चढ़ी है, उस आंधी को कैसे रोका जाए, कैसे खत्म किया जाए, उसको लेकर तुम लोगों ने जो ये राष्ट्रपति भवन है वहां पे बैठ के एक षड्यंत्र रचा। वो इसलिए बनाया उपराष्ट्रपति धनखड़ जी को इसलिए बनाया कि तमाम देश के जाट वहां पे आकर बैठेंगे, जो भी भाजपा के विरोध में या जो किसानों की बात करता है उन जाटों को खत्म कैसे किया जाए। अब हनुमान बेनीवाल जब राजस्थान के आम जन की आवाज बन चुका है, हनुमान बेनीवाल को जाटों का नेता कहने वाला खुद एक जातिवादी हो सकता है, क्योंकि हनुमान जी किसी जाति के नेता रहे नहीं, हनुमान जी सर्व जाति। चाहे ये जो चौधरी बन के घूम रहा है राजा राम, तो राजा राम से ये पूछना चाहता हूं कि नरेश जाट जब उसकी बॉडी पड़ी थी उसने खुलेआम सुसाइड किया था, अपना वीडियो वायरल करके 7 पेज का सुसाइड नोट लिख के, और उसने ये कहा था कि मुझे हनुमान बेनीवाल मेरे बच्चों को संभाल लेंगे, हनुमान जी आए थे उन्होंने न्याय दिलवाए, वो अपना राजधर्म निभा रहे हैं, वो कोई एहसान नहीं कर रहे हनुमान जी, क्योंकि वो हर आदमी के लिए लड़ते हैं। लेकिन राजा राम मिल तुमने एक पोस्ट भी नहीं की कि एक जाट का बेटा शहीद हुआ है, उसने मतलब परेशान होकर सेना के उच्च अधिकारियों से पीड़ित होकर वो जो आत्महत्या की है उसको लेकर तुमने पोस्ट तक नहीं की। अभी राजू ठेठ की जो हत्या हुई थी, चलो राजू ठेठ गैंगस्टर था उनकी दुश्मनी थी, लेकिन ताराचंद कड़वासरा है वो तो एक निर्दोष मारा गया था, उसकी बेटी रो रही थी, लेकिन तुमने एक पोस्ट तक नहीं की उस समय भी। बता जब ये जो मकराना के अंदर मर्डर हुआ था, सैकड़ों मर्डर हो गए, लेकिन तुमने आज दिन तक किसी गरीब की आवाज नहीं उठाई। मैं जोधपुर का हूं, जोधपुर में ऐसे सैकड़ों मामले हुए थे, जब हनुमान जी की जरूरत पड़ी तब हनुमान जी आए, परिजनों से बात की, उनको न्याय दिलवाया। लेकिन राजा राम पिछले पता नहीं 22 साल से, इसको कितने 98 से लेकर 2022 तक 22 साल हो गए, 2000 से आया है तो 23 साल से राजा राम मिल इंटरव्यू में कह रहा है हमारे जाटों की तो बुरी हालत हो गई, जाटों को कोई पूछने वाला ही नहीं है, हमारे केंद्र में मंत्री नहीं है। जब तुम जैसे दलाल क्या 20-22 साल से बैठे हुए तलवे चाट रहे थे नेताओं के, तुमने क्यों नहीं बोला? उस समय बोलना था, मोदी सरकार ने जब मंत्री नहीं बनाए तो तुम जैसे तलवा चाट। हनुमान बेनीवाल तो आज भी लोकसभा में छाती ठोक कर बोलता है और 24 सांसदों पर अकेला भारी पड़ता है। तो भाइयों मैं कह रहा हूं ये महाकुंभ नहीं बल्कि हनुमान बेनीवाल को खत्म करने के लिए ये षड्यंत्र रच रहे हैं कि कैसे ही करके खत्म, तो इनके साथ पुस्ते आ जाए तो भी सोचना ही मुश्किल है, लेकिन कमजोर करने का जो प्रयत्न कर रहे हैं कि 23 में हनुमान को कैसे रोका जाए, वो इनके फूफा है, वो रुकने वाला नहीं है। और दूसरी बात, जब इसकी हवेली होटल तोड़ी थी और 2008 के अंदर इसका भाई का कांग्रेस में टिकट हो गया, उस समय से लेकर वसुंधरा का अनबन चल रहा है, और इन्होंने ये मुद्दा रखा जाट महाकुंभ के अंदर कि भाई जाटों का मुख्यमंत्री बनाएंगे, जाट मुख्यमंत्री नहीं बना हमारा 70 साल से। तो भाई राजा राम तू ये बता कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बन गई तो जाट मान के उसको मंच पे बैठा रहा है, उसको निमंत्रण दे के आया घर पे जाके, जब वसुंधरा जाट मुख्यमंत्री बन गई तो फिर तेरे इस महाकुंभ का मतलब क्या है? और अगर वसुंधरा जाट नहीं है तो उसको बुलाने का औचित्य क्या है? तुमने जाट मान के न्योता दिया है, अशोक चांदना को तुमने न्योता दे दिया, मतलब कांग्रेस की तलवा चाट गैंग चल रही है कि तुम कैसे ही करके, और हनुमान बेनीवाल को तुम कार्ड देने में शर्म आ रही है। तुम्हारा एक वीडियो देखा था, कह रहे कि बच्चे गए थे कार्ड दे के आए गए, हनुमान बेनीवाल को ये मतलब रोड छाप है क्या जो तुम कह रहे हो कि बच्चे गए थे कार्ड दे के आ गए? तो मैं कह रहा हूं कि भाई ऐसे जो लोग हैं राजा राम जैसे, इस महाकुंभ का जोरदार तरीके से विरोध करो, एक दुष्कर्मी आयोजन करवा रहा है, लोग हंसेंगे कि देखो ऊपर बैठे जो दिल्ली में बैठे जयपुर में बैठे नेता सोचेंगे कि इनके कोम में तो कोई भी बलात्कारी को पकड़ दो, दुष्कर्मी को जिसके ऊपर आरोप हो, जो माफिया हो, जिसके पास 2 पैसे हो उसको पकड़ दो और वो मतलब कैसे ही करके ये उसको मोहरा बना के यूज ले लेंगे। और
अब मजे की बात यह है कि 14 साल से वसुंधरा और तुम्हारा अनबन था, तो तुम वसुंधरा को निमंत्रण देने के लिए तारीख कौन सी चुनी मेरे राजा? तारीख चुनी तुमने 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे को तो दुनिया कहती है कि वो एक प्यार का त्योहार है, और उस प्यार के त्योहार पे तुम वसुंधरा को निमंत्रण देने गए थे और ये कह के आए कि महारानी 5 मार्च को तुम मंच पे आना, हम सार्वजनिक रूप से अपनी जो इतने सालों की कड़वाहट है वो भुलाकर हम आपस में एक दूसरे के हो जाएंगे। गजब के मजे ले रहे हैं भाई। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को वसुंधरा को निमंत्रण दिया, सतीश पुनिया को तुमने 10 जनवरी को दे दिया, गोविंद सिंह डोडासा को 10 जनवरी को दे दिया, तो वसुंधरा के लिए तुमने 14 फरवरी तारीख कैसे चुनी? ये तो बहुत ही हो सकता है तुम्हारा कोई अंदरूनी राज होगा, इसलिए चलो छोड़ो भाई, वैलेंटाइन डे तो दुनिया को पता है और उस दिन राजा राम उसके घर गया था, ये इसकी आईडी के ऊपर पोस्ट पड़ी है। तो भाइयों, इन शराब माफिया, इस दुष्कर्म के आरोपियों का बहिष्कार करो। आम आदमी को यह सोचना पड़ेगा कि 70 साल बाद में, मैं एक जाति का नहीं कह रहा हूं, 36 कौम के अंदर हनुमान बेनीवाल के प्रति जो विश्वास जगा है, जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसके अंदर एक चुनाव आरएलपी ने जीतता है, एक में भारतीय जनता पार्टी के वल्लभ नगर में जमान जब्त करवा दी, और बाकी सब चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी कहीं तीसरे नंबर पर रही थी, कहीं चौथे पर रही, और दूसरे नंबर पर 3 सीटों में आरएलपी रही थी। तो आरएलपी का जो लोगों के प्रति क्रेज है, आरएलपी नहीं, वो एक हनुमान बेनीवाल फेस है, उसके प्रति जो विश्वास है, वो विश्वास लेकर आज लोग तैयार हुए हैं, तो उन लोगों को कैसे ही करके भुलाया कैसे जा सके कि भाई जो हनुमान बेनीवाल कर रहा है, तुम अगर सच्चे होते और तुम्हारा ये महाकुंभ का मकसद अच्छा होता तो तुम हनुमान बेनीवाल के घर जाओ ना, कल जाओ। हनुमान जी ने कब मना किया कि मैं तुम्हारा इस महाकुंभ में नहीं आऊंगा? हनुमान जी को तो तुम लोग निमंत्रण देने नहीं गए, तुम सोच रहे हो जैसे हरियाणा वाले चौटाले ने, जब राज्यसभा के चुनाव थे, हनुमान जी और उनके 3 विधायक जयपुर के अंदर थे, और उस दिन तुमने ये कार्यक्रम रखा था, तुम्हारी नियत थी कि हनुमान बेनीवाल को चौटाला घोटाला आया था जो अपने बाप दादा का नहीं हो सका, और चौटाला घोटाला इसलिए कर रहा हूं, घोटाले में बाप बेटे दोनों जेल में बंद है। उसी घोटाला परिवार ने षड्यंत्र रचा कि हम तेजाजी के नाम का कोई भी कार्यक्रम है वो कर लेंगे, जिससे हनुमान बेनीवाल है उसका जो क्रेज है तेजाजी के नाम से वो करते हम करेंगे, और तुम ईंट भी खोटी लेकर आए और वो ईंट नींव के अंदर रखी थी। तेजाजी के साथ धोखा नहीं हो सकता, धोखा तुम्हारे साथ और तुम्हारा सुपड़ा साफ हो जाएगा। हरियाणा के अंदर चौटाला परिवार ने वैसे ही वोट मांगा था कि भाई मुझे वोट दो, आरक्षण की दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी, खट्टर ने हमारे किसानों के बेटे पे गोलियां चलाई, वो तो लोगों ने वोट दे दिए, जो औरंगजेब ने काम किया था वही काम तुमने कर दिया, अपने बाप दादा जेल के अंदर बंद और तुमने पार्टी बनाई और वोट लिए सरकार को टारगेट करके, भारतीय जनता पार्टी को, फिर उसकी गोदी में बैठ गए। तो ये धोखा है, चौटाला नहीं वो घोटाला है, उन परिवारों के तो यहाँ पे आना जाना ही नहीं है। तो मेरे भाइयों, यही कहना है कि 5 मार्च का खुलकर बाइकाट करो। अगर कोई अच्छा आदमी, अगर कल भी लोग कह दें कि राजाराम मेल आउट है, जो उसकी कार्य समिति है जो ये आयोजन करवा रहे हैं, ये कार्यक्रम का जो स्क्रिप्ट लिखी थी, सबसे पहले 5 जनवरी को राजाराम मेल ने पोस्ट की थी अकेले ने, उसके बाद में 14 जनवरी को इसने सतीश पुनिया, गोविंद सिंह डोडासा को निमंत्रण दे दिया, उसके बाद में हनुमान बेनीवाल जी के खिलाफ जब इसने एक वीडियो जो यूट्यूब पे वायरल हुआ था, तब कुछ जाट समाज के लोग जाट छात्रावास में इकट्ठे हुए 14 जनवरी को, उसके बाद में राजाराम को वहां बुलाया गया और इसने कह दिया मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन जिस बंदे ने अपनी जमानत के लिए पागल का सर्टिफिकेट ले लिया हो, जो जवानी में 37 साल की उम्र में जिसका पागल का सर्टिफिकेट हो, ऐसे पागलों के पीछे अपने को जाने की जरूरत ही नहीं है। ये पागल है, जब जवानी में पागल था, बुड्ढा है, सांटी और नाटी, तो अब ये पागल हो गया जिसका सर्टिफिकेट, जो सरकार का रजिस्टर्ड पागलखाना है वहां से इसने सर्टिफिकेट लिया। अगर गलत हो तो चैलेंज कर ले भाई, जो अखबार की खबर है वो भी मैंने पुख्ता की, एक एक चीज का एविडेंस दूंगा, तेरा पागल का सर्टिफिकेट की लाके सार्वजनिक कर दूंगा। तो ऐसे पागलों के पीछे अपने को जाने की जरूरत नहीं है। और हनुमान बेनीवाल जो आज धड़कन बन चुका है, उस आदमी की मदद करनी है, सपोर्ट करनी है, और जी जान से हमें लगना है, आएगा हनुमान, बदलेगा राजस्थान, जहां हनुमान नहीं वहां हम नहीं, चाहे अंजाम कुछ भी हो। बजरी माफियाओं से तुम्हारे रिश्ते हैं, जब तुम्हारा ज्वाइंट था पुलिस का डीजी, उस समय तक तुम बोले नहीं और अब कह रहे हो कि अत्याचार हो रहा है। अरे तुम्हारा ज्वाइंट डीजी था एमएल लाठर साहब, तब तुम क्यों नहीं बोले सिस्टम के खिलाफ? तब तो तलवे चाट रहे थे तुम,
राकेश टिकैत को भी लेके आए थे, रैलियां की थी, हनुमान को कैसे कमजोर किया जाए, चौटाला और जाए तुम हो और तुम्हारे साथ की जो गैंग है चाहे सब मिल जाओ, कभी हनुमान बेनीवाल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो बंदा जनता के दिलों में राज करता है। जय हिंद भाई, वंदे मातरम। मुझे ये एविडेंस बताने थे कि राजा राम दिन में मां कुंभ कर रहा है और रात को उसके घर किसी दूसरी जातियों की बारात आएगी। हनुमान जी ने एक वो भाषण भी दिया था कि जिनकी जो साइकिल के ट्यूब में दारू भेजते थे, जिनकी परिवार में दूसरी जगह शादियां, शादी तो उसी दिन हो रही है, ये मां कुंभ करके उन लोगों को भी साथ में ले जाना यार, खाना तो खिलाना, तेरी पोती की शादी है, गुजर बिरादरी शादी आएगी, चलो भाई अच्छी है, तुम और वसुंधरा एक कैटेगरी के हो गए, उनकी भी बहू है और तुम्हारी तो बेटी को भी गुजर समाज लेके जाएगा। राम राम भाई, जय हिंद।